विभाज्यता के नियम में आज हम सीखेंगे सबसे पहले सात से विभाजित संख्या। वह कौन कौन सी संख्याएं हैं जो सात से विभाजित हो सकती हैं? कैसे पहचानेंगे हम कि कौन सी संख्या सात से विभाजित होगी या सात से विभाजित नहीं होगी? सात से लेकर के 70 तक तो हमें पता है कि कौन कौन सी संख्याएं सात से विभाजित होती हैं और कौन सी सात से विभाजित नहीं हो सकती। वह जो भी संख्या जो सात के पहाड़े में आ रही है वह सात से विभाजित हो जाएगी। लेकिन 70 से जब संख्या बड़ी हो जाती है तब कैसे पहचाने बिना भाग देखे कि वो संख्या सात से विभाजित होगी या नहीं होगी? हमने एक संख्या ले ली 836। अब हम ये देखेंगे कि यह संख्या सात से विभाजित होगी या नहीं होगी। तो इसके लिए एक नियम है कि सबसे लास्ट की जो संख्या होती है, सबसे लास्ट मतलब इकाई का अंक जो होता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, ऐसे ही पढ़ते हैं। तो जो इकाई का अंक है उस अंक को ले लिया जाएगा और उसमें 5 से गुणा की जाएगी। तो इकाई का अंक था 6, इसमें 5 से गुणा की तो आया 6 5 30। अब ये संख्या लेकर के इकाई का अंक जो हमने लिया था इसे छोड़ देंगे, बाकी जो संख्या बची हुई है ये संख्या ले लेंगे और इसमें ये जो 6 और 5 की गुणा आई है इसको लिख के जोड़ देंगे। जोड़ने पे आएगा 3। अब 8 और 3 को जोड़ेंगे, 8 9 10 11, ये हो गया हमारे पास 113। अभी भी बड़ी है तो क्या कर सकते हैं, फिर से वही रूल जो हमने यहाँ पे किया है वही यहाँ पे अप्लाई करेंगे। यहाँ इकाई का अंक ले लेंगे, ये आया हमारा 113। यहाँ फिर से इकाई का अंक ले लेंगे और इसमें 5 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 5 3 15। और इस 15 को ये बची हुई संख्या क्या है, अगर इकाई का अंक छोड़ देंगे तो बची हुई संख्या है 11। इस 11 में हम इस 15 को जोड़ देंगे तो हमारे पास संख्या आएगी 6 और 1 1 2 26। और 26 हमारा 7 से नहीं कटता है। सात का पहाड़ा जब हम पढ़ते हैं, 7 कम 7 14, 7 21, 7 4 28, 21 के बाद 28 आता है, 26 नहीं आता है। तो यह 26 सात के पहाड़े में नहीं आ रहा है, इसलिए इस संख्या के लिए कहेंगे हम कि यह संख्या सात से विभाजित नहीं है। ऐसे ही अगर हम दूसरा नंबर लें तो दूसरा नंबर माना हमने ले लिया 273, और 273 में इकाई का अंक है 3, ये हमारा इकाई का अंक है। अब इकाई के अंक को लेकर के इसमें 5 से गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 5 3 15। अब इस 15 को बाकी बची हुई संख्या जो है इकाई का अंक हटा के जो बची हुई संख्या है वो है 27, इसमें हम 15 जोड़ देंगे, हमारी जो संख्या बनेगी वो बनेगी 7 5 12 के 2, हासिल 1 2 1 3 और 1 4, 42। और 42 हमारा 7 से कट जाएगा, 7 के पहाड़े में 42 आता है, 7 6 42, तो ये 42 कट जाएगा। इसका मतलब जो हमारी संख्या हमने ली है 273, ये हमारी 7 से विभाज्य है। ऐसे ही कितनी भी बड़ी या छोटी संख्या लें हम और उसके इकाई के अंक में 5 से गुणा करके बाकी बची संख्या में अगर हम वो संख्या जोड़ देंगे तो जो संख्या आएगी हमारी बनके वो अगर 7 से विभाज्य होगी तो वो संख्या पूरी हमारी 7 से विभाज्य हो जाएगी। एक एग्जाम्पल के लिए एक संख्या और देख लेते हैं हम। ना अगली संख्या हमने ले ली 687। अब 87 में जो इकाई का अंक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो इकाई का अंक हमारा है 7। इस 7 में हम करेंगे 5 से गुणा, ये हो गया 7 5 35। इस 35 को इकाई का अंक हटा के जो बाकी बची हुई संख्या है उसमें हम इस 35 को जोड़ देंगे, 103। अब 103 ये फिर से बड़ा नंबर है तो फिर से इसको हल करने के लिए, छोटी संख्या बनाने के लिए, इसमें हम फिर से इकाई का अंक लेंगे तो इकाई का अंक है 3, 3 में करेंगे 5 से गुणा, 5 3 15। अब 15 को बची हुई संख्या कितनी है हमारी 10, इस 10 में हम जोड़ देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 25। अब ये जो 25 है ये अगर हम 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 7 कम 7 14, 7 3 21, 7 4 28, 21 और 28 के बीच में आ रहा है पर कट तो नहीं रहा, तो ये भी हमारी हो जाएगी 7 से संख्या कटेगी नहीं।
तो ये भी हमारी 7 से विभाज्य नहीं होगी। अब हम देखेंगे 8 से विभाजित संख्या। तो 8 से संख्या कैसे विभाजित हो सकती है ये कैसे पता करेंगे देख के। कोई भी संख्या ले लेते हैं हम, 7 4 5 4 4। माना कि हमारे पास ये संख्या और हमें ये पता करना है कि यह संख्या 7 से 8 से विभाजित है या नहीं है। तो 8 से विभाजित देखने के लिए हम 3 अंक लेंगे आखिरी के, इकाई दहाई और सैकड़ा। इकाई दहाई सैकड़ा ये 3 अंक लेंगे और उन्हें 8 से विभाजित करके देखेंगे। तो हम ये लास्ट के 3 अंकों को 8 से भाग देंगे तो आएगा 8 से 32, 8 5 40, 8 6 48। माइनस करेंगे तो आएगा ये 6 और यहाँ पे 4, 8 8 64। तो ये संख्या हमारी पूरी विभाजित हो गई। तो इस तरीके से हमने पता किया कि इकाई दहाई और सैकड़ा का अंक लेकर के अगर हम 8 से भाग करें और वो संख्या पूरी विभाजित हो जाए तो वह संख्या 8 से कट जाएगी। कितनी भी बड़ी संख्या हो, कहीं से भी शुरू हो, बस लास्ट के 3 अंकों को लेना है हमें, इकाई का अंक, दहाई का अंक और सैकड़ा का अंक। इसी तरीके से एक संख्या और देखेंगे। अगली संख्या हम लेंगे 8 6 6 5 4। आप कोई भी संख्या ले सकते हैं और उसमें भाग करके देख सकते हैं। हमने ये संख्या ली है और इसमें हम फिर से वही लास्ट के 3 अंक लेंगे, इकाई दहाई और सैकड़ा का अंक, और ये तीनों अंक ले करके हम इनमें भाग करेंगे 8 से, क्योंकि हमें 8 के विभाज्यता का नियम ज्ञात करना है। तो ये आएगा 8 8 64, 5 में से 4 गया 1 और फिर ये 4, 8 1 8, 2 बार ले जाएंगे तो 16 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो ये बचेगा 6। यहाँ पे शेष बच गया है, तो इसलिए यह संख्या 8 से विभाजित नहीं है। 8 से विभाज्यता के नियम में हमने जाना कि इकाई दहाई और सैकड़ा की अगर संख्या लेकर के हम 8 से विभाजित करेंगे और वह संख्या अगर 8 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी तो संख्या 8 से विभाज्य है। और दूसरा नियम हमारा है, कोई भी संख्या हम ले लें, अगर उस संख्या के लास्ट में 3 जीरो हैं, इकाई दहाई सैकड़ा की जगह पर अगर 3 जीरो हैं तो वह संख्या भी 8 से विभाज्य हमारी हो जाएगी। इकाई दहाई सैकड़ा पे अगर अंक है तो उन अंकों को भाग करके देख लीजिए, और अगर जीरो है तो बिना भाग ये ही आप समझ सकते हैं कि वह संख्या 8 से विभाज्य हो जाएगी। 9 से विभाज्य संख्या पता करने के लिए हम क्या देखेंगे। जो भी संख्या हमारे पास दी गई है, माना कोई भी संख्या हमने लिख ली, कोई भी संख्या लिख लीजिए और उस संख्या के सभी अंकों को आपस में जोड़ दीजिए। अगर उस संख्या के सभी अंक जुड़ने के बाद 9 से विभाजित हो जाते हैं तो वह संख्या 9 से विभाज्य हो जाएगी। यहाँ पे हमने ये संख्या ली हुई है, इसके सभी अंक जोड़ लेंगे तो 7 और 6 13, 13 5 18, 18 और 4 22, और 23 24, ये हो गया हमारा 24। 9 से 24 विभाज्य होता है नहीं, क्योंकि 9 या 27 जाता है, 24 नहीं आता। ये जो संख्या ऊपर ली थी यही संख्या मैंने फिर से ले ली और इसमें एक अंक और बढ़ा लिया है 3। अब फिर से इस संख्या के सभी अंकों को जोड़ के देखेंगे तो 2 4 6 6 5 11 11 6 17 17 7 24 और 24 3 27। तो जब इस संख्या के सभी अंकों को जोड़ा तो हमारा उत्तर था वो आया 27। अब देखते हैं कि 9 के पहाड़े में 27 आता है, तो 9 3 27 आता है, 3 बार जाएगा भाग करने पे, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यह संख्या 9 से विभाज्य होगी। अगला नंबर है हमारा 10। 10 से विभाजित संख्या कैसे पता करेंगे। कोई भी संख्या अगर लास्ट में उसके 0 दिया हुआ है तो वह संख्या 10 से विभाजित हो जाएगी। जैसे 80 लास्ट में 0 है, 100 लास्ट में 0 है, 110 लास्ट में 0 है। अगर एक 0 है लास्ट में तो वह संख्या 1 है या उससे ज्यादा है पर 0 जरूर हो, और अगर 0 है तो वह संख्या लास्ट तो वह संख्या 10 से विभाजित हो जाएगी। कितनी भी बड़ी संख्या हो,
माना हम कोई संख्या लिख लेते हैं, यह संख्या है, अगर केवल 6 तक रखेंगे तो यह संख्या 10 से विभाजित नहीं है, लेकिन अगर इसमें एक जीरो यहाँ लगा दिया, लास्ट में एक जीरो होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है 10 से विभाजित संख्या देखने के लिए, तो अब यह संख्या 10 से विभाजित है। अगले वीडियो में हम देखेंगे 11, 12, 13, 14 और 15 से विभाजित संख्याएं।